अनदर बको हुक्का माम करता हूँ क्या वो 1 to 100 में क्या 1 2 3 4 ऐसे परसेंटेज चलते हैं तो मैं क्या करता हूँ आई डोंट नो एनीवेज ये लंबा टॉक हो जाएगा सर बको आवाज उठो घटिया किस एंड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड सो आज के व्लॉग में दो चीज तगड़ी अच्छे से होने वाली है पहला तो है भाई कि रोटला पार्टी प्रॉपर काठियावाड़ी मेन्यू मैंने बनाया था 2.5-3 महीने से वो नहीं खाए थे रोटले यूजुअली मेरे घर में बनता ही है मुझे पसंद है मौलिक को कुछ ज़्यादा ही पसंद है आपको आगे जाके व्लॉग में उसके एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा तो आइडिया आएगा कि उसको कितना पसंद है एंड मेरी इंजरी की वजह से मेरे से ना वो डो वगैरह कुछ बनता नहीं था क्योंकि पेन होता है ये बनाने के बाद भी मुझे एंड में पेन किलर लेनी पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत पेन हो गया था बट नो वरीज उसकी स्माइल देख के वो सब कुछ वसूल हो गया तो आज के मेन्यू में प्रॉपर प्योर काठियावाड़ी मेन्यू बनाया है डिनर में और आज के वीडियो के एंड में बहुत बड़े एक न्यूज़ है वो आपको देखने को मिल जाएगा आपको थंबनेल से आइडिया आ ही गया होगा बट आई एम सुपर एक्साइटेड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गुड न्यूज़ इन माई दिस कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी सो एंड में देखना आपको देखने को मिलेगा सो आई होप यू विल लाइक इट अतरा मैं एक सरप्राइज प्लान करूँ छू सो वराड यू नो ट्राई टू गेट अ हिंट पाछड़ सो बाय योर सराउंडिंग्स पाछड़ रोटला राइट साइड जो आई मीन ये साइड मैं बोलू जॉइनिंग में कह दे तो आज मां से कह लो राइट पर तरह दी थोसे आई डोंट नो बट आई वांट टू ट्राई इट कितलो टाइम थियो जो यार तो जनवान भेगू सु बनाइस आर यू साग न बदो को चॉप खाय छ पाछड़ Are you happy? Excited. For Rotla. Hello, so it's almost dinner time. आज के डिनर में बनेगा समथिंग स्पेशल मेरे फेस पे मत जाना क्योंकि मुझे बहुत स्वेटिंग हो रहा है मैं कब की किचन में हूँ इसलिए बट आज का डिनर है प्योर काठियावाड़ी और आई थिंक वी आर मेकिंग आफ्टर एजेस यस मौली का फेवरेट बाजरे का रोटला सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दैट आई डोंट नो कितना क्रश होगा मेरे से बिकॉज अभी भी इट्स चैलेंजिंग फॉर मी टू यूज माई यू नो राइट हैंड बट आई विल सी कि कितने बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे बट एटलीस्ट मुझे कोशिश करनी है क्योंकि बहुत मन है कब से खाने का दोनों का ऑलमोस्ट 3 महीने तो हो ही जाएंगे आई गेस 2.5 मंथ तो पक्के अगर 3 नहीं है तो चलो आज का स्पेशल काठियावाड़ी मेन्यू तैयार करते हैं रोटले से शुरुआत करके मैंने अजवाइन गर्म कर लिए रोस्टेड कर लिए मतलब ये मैं यूजुअली ऐसे ही डाल देती हूँ आई डोंट नो आज मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा रोस्टेड करके करे मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी बाद में करूंगी यूज एंड यहाँ पे सारी चॉपिंग हो रही है आउच हम थोड़ा ज्यादा ही बना लेंगे इस बार क्योंकि रोटले बन रहे हैं तो वाई नॉट एंड यहाँ पे मौलिक हेल्प कर रहा है देखो खुशी देख रहे दिखानी नहीं है दिखानी नहीं है खुशी अंदर रखनी है मुझे अंदर रखनी मैंने ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सोक करने के लिए रख दिए अभी मैं फटाफट कर रही हूँ एंड मैं बनाने वाली हूँ घरेलू दही वो भी बनेगा बैकग्राउंड में बहुत सारा लहसुन डाल के सो इसके लिए मैंने पेन भी बना रख लिए इसकी शक्ल पे मत जाना बिकॉज यू नो द स्टोरी इफ यू मिस्ड इट वॉच आउट अवर 7 डे चैलेंज इन प्रीवियस स्टोरीज बिकॉज दिस गाय रूइंड माय एवरी अप्लायंसेस एनीवेज बैक टू द रोटला गाइस सो हम यूजुअली दीप ब्रांड के लाते हैं ये वाले बट ये वाला पुराना हमने लिया था बिकॉज अवेलेबल नहीं था तो मैं इसी से शुरुआत करूंगी ताकि यूज हो जाए क्योंकि ये पुराना है
Speriamo subito. Oh, oh. Wow. Full dish. I made vagarelu dahi. Rotla મોલિક ને ચોડી ને ખાવું છે તો એક માં ઘી લગાવ ના પડે છે કેમ કે સોખી ના હાથ ગંદા થાય બટ બાકી ના ઘી વાળા છે શેકેલા મરચા છાસ રીંગણા બટેટા વટાણા સરગવા ટમેટાનું શાક સલાડ અને અભી ભી ક્યા હે લસણ વાળી ચટણી વાવ 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 क्या खाओ मैं अभी लिटरली मम्मी याद आई क्या ना दिखाता आज तुम्हारा मम्मी ना आता ना मैं मौली को क्या कह रही हूँ कि ये सब बनाते बनाते मुझे ना मेरी मम्मी की याद आ गई क्योंकि मेरी मम्मी ना मतलब इतना इतना ज्यादा ऑलवेज बनाती ना लाइक वेराइटी वाइज डिफरेंट डिफरेंट वो हमेशा कहती है कि खाना बनाने में कभी आलस ना करो और खाना इतनी वेराइटी में बनाओ कि खाने वाला पूछे कि मंजुबेन खाना क्या है और छोड़ना क्या है इतनी वैरायटी होनी चाहिए तो लिटरली गेस्ट जो हमारे घर आते थे ना वो कहते थे कि समझ नहीं आ रहा दिमाग नहीं काम कर रहा कि इसमें क्या खाए और क्या ना खाए तो आज मुझे मम्मी की याद आ गई एंड फाइनली वी मेड रोटला टुडे मुझे बहुत भूख लगी मैं फटाफट अब लास्ट जो बन रहा है रोटला वो लेके फटाफट अपना डिनर शुरू करती हूँ मैं कितनी स्वेटिंग स्वेटिंग होगी देख लें बहुत गर्मी लग रही है मौलिक ने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया और ये भी क्लीन करके उल्टे रख दिए प्लास्टिक के और ये हमारा गर्म पानी है बस इसको फेंकना है बट ढकने के लिए रखा है उसने आई थिंक बस अब ऊपर आ गए अभी हमारी लॉन्ड्री पार्टी चल रही है यहाँ पे और शावर का टाइम हो गया है हेयर वॉश करना है एक्चुअली आज हमें Hey guys, there is one big news. Finally, मेरी YouTube चैनल मेरी अरे यार हमेशा काला टीका लगा ही देता है बोल के हमारी जो मैंने शुरू की थी anyways sorry तेरी है नहीं नहीं हमारी है हमारी let me say it हमारी YouTube चैनल finally monetize हो गई है Yes, another channel is monetized and हमें notification आया है वहां से कि like apply now जो disable था कब से हर रोज देखते थे पता है कि minutes खत्म नहीं होगी तब तक नहीं आएगा well actually 3 दिन पहले हो गया है ना ये तो monetize 3 से 4 दिन बट 4 दिन late होता है usually उनकी dates होती है से तो apply now का button इतना bright blue है अभी और मौलिक सुबह से एक्साइटेड है हम वेट कर रहे थे कि दोनों फ्री हो जाए बाद में थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे तो उसमें यू नो डिस्कस करेंगे और ऐसे शूट भी कर लेंगे अभी जस्ट जाके टाइम मिला हमें रात के 9:45 बज गए सोचो सुबह से हम इतने एक्साइटेड है फिर भी नहीं कर पाए रात के 9:45 बजे कर रहे तो बस अभी अप्लाई नाउ का प्रोसेस कर रहे हैं लैपटॉप लेके बैठा है आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी 5 मिनट का होगा कि आधे घंटे का होगा विल सो कैन यू सी ये ब्लू हो गया जो आई थिंक ग्रे था या डिसेबल जैसा था ये ग्रे था डिसेबल जैसा था बट दिस इज ब्राइट ब्लू नाउ वी कैन क्लिक दिस बटन फाइनली इट्स ऑफिशियल फ्रॉम यूट्यूब गाइस अर्न ऑन यूट्यूब इसमें तो कुछ अभी आने वाला नहीं है बट खुशी इतनी आ गई हम दोनों की कि पूछो ही मत चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अभी या लेट्स स्टार्ट इट चलो जय श्री गणेश भगवान वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा रिव्यू बेस्ड टर्म्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट टर्म्स साइन अप फॉर यस ये वाला आई थिंक अभी नहीं होगा ना ये 4000 के बाद होगा ना ओके ऐसा आ जाए तो कलेक्ट योर $500 रहने दे ऐसे ही ना उटपटांग से घटिया से ख्याल आते घटिया तो नहीं बोल सकते बट यू नो ना सिर ना पैर ऐसे वाले ख्याल आते हैं अभी बेसिक इंफॉर्मेशन ये सब क्या पूछ रहे हैं कुछ वो एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करवाना होता है ना वो है एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर रहा है स्टेप 1 हो गया स्टेप 2 हो गया स्टेप
स्टेप थ्री है गेट रिव्यूड. कितने स्टेप्स है? थ्री है ना, ये हो गया अभी. ओके okay. वो अभी नहीं होगा ना, राइट? जस्ट अप्लाई किया, वी कैन टेक 2 to 3 weeks. ओके एडसेंस का अकाउंट नहीं था ना, अभी ये नहीं होगा. एडसेंस वाला अकाउंट अभी नहीं होगा बिकॉज वी नेवर क्रिएटेड दैट वन बिफोर. सो इट विल टेक सम टाइम 2 to 3 weeks, राइट? या इट सेज 2 to 3 weeks. तो अभी मैंने मौली को बोला है कि मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेज मेरे व्हाट्सएप में, ताकि मैं इसको अटैच करके दिखा सकूँ आपको. ये वाला, ये 3 steps होते हैं. सो देखा ये, वो लोग कह रहे कि वी आर टेकिंग टाइम टू रिव्यू, ही इज ऑल्सो टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट दिस थिंग्स. द थिंग इज 3 steps है ना, तो स्टेप 2 में स्टक हो गए. स्टक मतलब एडसेंस का अकाउंट नहीं था, जो हमें पता भी नहीं था, तो वो क्रिएट करने के लिए बोला है. तो उसके लिए 2 to 3 weeks का टाइम लगेगा उनको रिव्यू करने के लिए, उसके बाद बताएंगे. मौलिक ने बोला मे बी टुमारो भी हो सकता है, कल हो जाएगा. आई श्योर, हाउ कैन यू टेल? 2 to 3 weeks बोला, हो जाएगा कल, देखना. कहाँ से हिंट लिए तो बता. जस्ट ऐसे ही मुझे फील हो रहा है कि कल तक हो जाएगा. वो बोलते हैं ऐसे, वो तो पता है कि ज्यादा 5 to 7 business days, बट समटाइम्स एक्सेप्शन सिनेरियोस रहते हैं, बट जनरली एक दो दिन में हो जाता है. ओके, बट 2 to 3 weeks बोला है तो मुझे लगा ज्यादा होगा. 1 week कहते तो ठीक है, देखते कब होता है. क्या बोल के आई है, चुप कर. तो गाइस, वेटिंग फॉर स्टेप 2 टू क्लियर, और जब भी वो खत्म होगा तब आपको दिखाएंगे कि स्टेप 3 क्लियर हो गया और बताएंगे. आई मीन नाउ आई कॉन्ट वेट. एक्चुअली वेट कर ले थोड़ा. या एक्चुअली मोनिटाइज ये यूट्यूब चैनल तो कब की खोल के रखी है, बट यू नो जस्ट लाइक आइडियल यूट्यूबर खोल के बैठ जाते हैं, कुछ पोस्ट नहीं करते. वेल मेरी लाइफ में तो बहुत सारी सिचुएशन चल रही थी, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन. सो मैंने कम्प्लीटली लाइक बंद कर दिया था, बहुत कम पोस्ट कर रही थी, शॉर्ट्स वगैरह डाल रही थी, कंटेंट तो कुछ भी नहीं था. इसलिए ज़्यादा लंबा खिंच गया, वरना ये मोनिटाइज कब का हो जाना चाहिए था. बट एनीवेज मैंने थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया है उसमें, बस ऐसे फन के लिए पोस्ट करती हूँ. उठिया थी सवार. सो जैसे मौलिक ने बोला, जागिया त्या थी सवार, बिकॉज नाउ आई कैन पोस्ट मोर. बिकॉज इतना सब कुछ मेरी लाइफ में चल रहा था, मैं इतनी बिजी थी वगैरह, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी मेरे ऊपर, बहुत सारी. बहुत खराब दिन देखे गाइस मैंने, बट हंसते हंसते हमेशा बात करती हूँ एनीवेज. बट नाउ मौलिक आ गया है, मौलिक ने बोला कि तू अपने काम पे ध्यान दे, तू अपने मोह शौक पे ध्यान दे, तू अपना कर. फाइनली बहुत कर लिया तूने. इसने बोला है कि व्लॉगिंग का लाइक फुल टाइम जॉब की तरह ले ले, मुझे ऐसा कह रहा है. एनीवेज वो तो मजाक में कह रहा है, मतलब वो कह रहा है कि तू चिल कर, तुझे कब का वो करना था ना, तेरा मतलब वो शौक है मोनिटाइजेशन वगैरह, तो ठीक है सब, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना एंड यू नो एडिटिंग करना. मैं भले कितनी गालियां दूं, बट जब भी पोस्ट कर देती तो बहुत खुश हो जाती हूँ. तो इसलिए मौलिक ने बोला कि बस तुझे जो करना है वो अभी कर, तो मैं दैट्स वाई यू नो आई एम फोकसिंग मोर. एंड इसी रीजन की वजह से मैं टाइम टू टाइम अभी अपलोड कर पा रही हूँ, वरना नहीं हो पाता यार, एडिटिंग एंड एवरीथिंग इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जब भी इसमें ही फोकस करना है, तेरा फोकस यहाँ पर ही होना चाहिए. देखा अब अभी ऐसा ही कहता है ऐसा ही कह रहा है, इसलिए मेरे को मन करता है सब कुछ पोस्ट वगैरह करने का. तो ये कहता है कि बहुत तूने कर लिया, अब तू थोड़ा रेस्ट कर और ये सब कर. तो मैंने बोला चलो ठीक है, तेरी फेवरेट चीज है कर. मेरी फेवरेट चीज प्लेइंग ड्रेस्ड अप, तैयार होना अच्छे अच्छे से. वो लात मार पीछे से ये बहुत कहता है कि लात वाले वीडियो नहीं आ रहे. मैंने बोला मुझे पहले जीन्स अच्छे से कपड़े पहने थे, बाद में जीन्स 3 महीने के बाद पहना, वो व्लॉग डाल दिया, अगर नहीं देखा है तो देख लो फाइनली. ओके सो अभी इसका अपडेट जो भी आएगा तो मैं बताती रहूंगी. एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट. सीरियसली बाय द वे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ. अरे यार ये रिफ्रेश कर रहा है, सबको मत बताना मैं क्या करता हूँ ताकि अगर अप्रूव करते तो ये देख लो, जैसे हमारे लिए बैठे है ना पूरी यूट्यूब की टीम. सो आई वाज सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग सीरियसली. ओके गाइस, तो आज का व्लॉग बस यहीं तक ही रखते हैं. एंड आई वुड लाइक टू सीरियसली थैंक
each and every one of you who subscribed my channel, who supported me throughout my ups and downs. It means a lot to me, seriously. मुझे बहुत motivation मिलता है time to time upload करने का, अच्छे से editing करने का and everything, you know. ज़्यादा मुझे content create करने का भी मन करता है just because of this support. So seriously, thank you so much. This wouldn't be possible without you guys. And भले ही मेरे कोई लाखों हज़ारों में followers नहीं, I know it's just a small number, but anyways, I always like to cherish and celebrate, you know, small milestone. मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे कभी भागी ही नहीं हूँ, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा. सो आशा करती हूँ कि आपका सपोर्ट और भी आगे मिलेगा. एंड अगेन, जस्ट वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच. एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.